कावत है मारवाड़ के माई के बोई कुआड़ो न बोई डांडो। एक ठाकर साहब तो बे गांव रे मई पली ठाकर और राज होतो और राज होतो तो ठाकर हम ही बोले कौन जन ठाकर साहब भी गांव रे मई नई नई जो भी कोई भेड़ की ब्यावती बन महाराज खोल रहा आप रे घरे ले जा बांध ले तो हमें ऊं ठाकर साहब रे हम ही कुणी बोल रे विरोधी करे तो मौत नहीं तो देनो ठाकर और राज कुण मना कर जिके भी घरे बढ़िया गाय दूध देने री वे बिन वो खोल ले जे और खोल ना अपने बाड़ेर में बंदा देगा थर का ही काम दिया तो ठाकरा बैठे घना लोग आवे बैठे बैठे बैठे। अब एक दिन भी गांव रे माई एक कुमार हा बे कहो के थे गांव रा अगर साथ दो तो काम तो मैं कर दूंगा वो भड़क दी खोल ही खोल तो गांव रा कहो भाई अब हगड़ा ही तंग आउड़ा ये कर दो। वो कुमार महाराज रात में गया और रात में जान भी आड़े खूंटे न मत जीती भी नई नई प्याड़ी गाय यार भैंसा ही बन खोल रहा अगले गांव गाती है सुबह ठाकर सा कहो भाई वो काम कण करियो कोई हानि करी ना ठाकर सा कहो मेरे कने एक देवी री मूर्ति है सिद्ध और भी मूर्ति रगन कहो के मीन कठो आओ नहीं रे हाथ लगाओ तो जी को चोर हुई भी हाथ चिपक जाए। पहली क्या के चोर ने पकड़ने री तरकीब होया कर दी चोर की दाढ़ी में तिनका तो फट वो हाथ लगाओ पकड़ी जाऊं तो कोई चोर है। ठाकर साहब भी वही काम करियो भाई मूर्ति चोर हुई वो करने आए ना काम पी लेकिन फिर भी देखे कोई बात नहीं लग जाते कई कई बार सिद्धि होती है। तो सारा गांव निकल गया और सारो गांव निकलने के बाद में भी किरो हाथ नहीं चिपकियो ठाकर साहब कहो अरे एडो कहीं है कड़ी चोरी करी कौन करी लेकिन कहो गांव पूरो तो आ गयो बोले गांव पूरो आयो नहीं है एक बे कुमार जी आया नहीं है तो बोले बाऊ बात करो माने पूछे भाई थे आया क्यों नहीं बोले आज तुम्हारे काम हो तो बोले काले आओ जो बोले ठीक है सारो गांव फिर आओ जो काले काल फिर बुलायो। लेकिन रात के मई बिकुमार रे मंदिर में विचार आयो के बट हगड़ा रे हम हाथ चिपक गयो तो गांव रे मई बेस्ती बहुत मोटी हुई और जगह ठाकर सारे कने देवी री मूर्ति है बेड़ी री मूर्ति है तालाब रे किनारे माथे और है जिके तालाब रे किनारे माथे रोज कुमार मिट्टी खोदने रे वास्ते जावे पण क्यों परीक्षा तो ले आऊं चिपे नी चिपे ओए नाटक का वो बट गयो कान देखो कुलाड़ी डाल और ज्यों ही भी मूर्ति रे हाथ लगायो ना हाथ चिपक और वो काम पे मारा अब बण के बैठे तो कोई छोड़ावणियो को अंदर छोड़ावणे हेलो मारो तो वो गई चिपक्यो गु तब करूं क्या ना बोझ की मिट्टी खोदने वाली कोलाड़ी भी ना ऊंधी करी मूंजनी एक लगाई ना बा मिट्टी री मूर्ति टूट गई और छूट गई बन के बस हमें टल आ गया पा कला आ गई हमें बोले कितनी आवे अपन लेनो देनो नहीं गणो बट गयो अनजान ठाकर साहब फिर पूछो भाई तो लेट क्यों है बोले महाराज थोड़ा काम हो तो बोले मूर्ति रात लगा। अब ज्यो ही वो मूर्ति कने गयो और मूर्ति कन जान कहो के देवी तू है बावली और भैंस घूमी है रावली ने थारी ने मारी देवी तू है बावली रे बेंगुमी है रावली और अमय जते हाथ पकड़ लियो तो हूं कुमार बांडो रात लो हागी गवाड़ो न हागी डांडो जे अगर अमय भी पकड़ लियो तो गणा लोगारी हालात तो आ है के वो हागी कुआड़ो न हागी डांडो और ऐसा अगर चलता रहेगा तो काम नहीं बनेगा। कथा में बैठने के बाद में आप कुछ न कुछ यहां से संकल्प लेकर के उठे कि आज के बाद में मेरा जीवन धर्ममय होगा तो हमारी यहां बैठने वाले कथा व्यास की आत्मा शांत होगी मन में थोड़ी शांति होगी प्रसन्नता होगी।